तस्वीर में एक खटिया है, खटिया पर लेटी है एक बूढ़ी औरत और उसी औरत की खाट को टांग रखा है मुरेठा बांधे दो मर्द ने। त्रासदी भरी इस तस्वीर को जरा नंगी आंखों से निहार कर देख लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बतलाएंगे उसे सुनकर आप बिल्कुल सन्न रह जाएंगे। यह तस्वीर उस साहेबगंज जिले की है जहां से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकी जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर मदांध हो जाते हैं। और इन तस्वीर को जरा फिर से देखिए, बार बार देखिए, देखिए कि कैसे ये लोग आंखों में उम्मीद लिए, कंधों पर अथाह जिम्मेदारियों के साथ एक खटिया भी लिए चलते हैं, वो भी एक या दो किलोमीटर नहीं बल्कि 12-12 किलोमीटर। इस महिला की बिगड़ती हुई हालत को देखकर जब परिजनों ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया, तब एम्बुलेंस वालों ने भी कन्नी काटते हुए ये साफ कह दिया कि ये भैया हमारे पास तो एम्बुलेंस उपलब्ध ही नहीं है। मरता आखिर क्या न करता, इन दो नौजवानों ने उस खटिए को ही अपना एम्बुलेंस बना लिया और अपने पांव को ही एम्बुलेंस का चक्का, और तब शुरू हुआ इन गरीब लोगों के 12 किलोमीटर का लंबा मैराथन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब अगर मुख्यमंत्री नियुक्ति वर्ष के जश्न में तल्लीन हैं तो उनके जिले का काम थोड़ा दिन आप ही संभाल लीजिए ना। कुछ नहीं, अगर आप मुख्यमंत्री के जिले में दवा या अस्पताल नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके जिले में एम्बुलेंस का ही व्यवस्था करा दीजिए ना। कहाँ से आए आप? महाराजपुर गदाई जिला से। तो चारपाई नहीं लेकर आए? क्या करें, हम लोग का जो एम्बुलेंस के पास फोन किए थे 108 नंबर से, फोन करने के बाद बोल रहा है देखिए हम लोग के पास कोई अभी गाड़ी नहीं है। तो हम लोग आसरा देखते देखते तब हम लोग देखे जो सीरियस हो रहा है मरीज, तो हम लोग किसी का चरपाई मांग के यही खटिया लेकर आए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गंगा सागर चौधरी। और उसका? सावित्री देवी। क्या हुआ इसको? इसको जो हुआ है कोरोना का सुई लिया था। हाँ, तबीयत खराब है। हाँ, तो रात में इसको पतला पैखाना हो रहा था बहुत ज़्यादा, और इसके बाद दर्द हो कमर का। हाँ, एक गदाई दी रहा है एम्बुलेंस का। followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in